की सियासत आज फिर करने लगे, टुकड़े टुकड़े की सियासत आज फिर करने लगे, ऐ खुदा महफूज रखना मेरे गांव का मन। नमस्कार, विराट 24 न्यूज़ के स्पेशल पेशकश में आपका स्वागत है, मैं हूं पूजा सिंह। राष्ट्रीय एकता और अखंडता का झूठा दंभ भरकर सत्ता हथियाने वाली सत्तारूढ़ पार्टी के नौसिखिया विधायक के बोल पार्टी लाइन के विपरीत क्षेत्रीय अखंडता को तार तार कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं अपने विवादित बयानों और कारनामों की वजह से मीडिया की सुर्खियां बने रहने वाले सिमरिया विधायक केपी त्रिपाठी की, जिनका एक बयान वायरल होने के बाद सिमरिया क्षेत्र में आपसी संघर्ष की स्थिति निर्मित हो रही है। हालांकि ऐसे बयान पहली बार नहीं वायरल हो रहे। इन 3 वर्षों में विधायक केपी त्रिपाठी पर क्षेत्र की जनता का जमकर अपमान करने का आरोप लगा है। कभी घर में घुसकर मारने, तो कभी स्थानीय मुद्दों को उठाने पर पुलिस के हवाले करने, तो कभी झूठे मामलों में फंसाने की, तो कभी प्रशासन का उपयोग कर किसानों का दमन करने की, जिस पर स्थानीय लोगों ने घोर आपत्ति दर्ज कराई है। ये राजनीति का घटक है, ये बड़े डकैत त्रिपाठी जी ये राजनीति कर रहे हैं। समस्या इनके भीतर है, परेशानी चरित्र के है। उनकी व्यक्तिगत सोच है, वो किस कारण से ऐसा कह रहे हैं ये वो बता सकते हैं। गलत बात नहीं करनी चाहिए। तो जिन्ना की मानसिकता को रखने वाले जो है विधायक ऐसे भैया, ये गुस्सा इसलिए है क्योंकि उमरी मोड़ के लोगों ने क्षेत्र, जिला और देश के लिए अपना सर्वस्व न्योछावर किया है। सिरमौर और रीवा विधानसभा से काटकर बनाए गए सिमरिया विधानसभा को जाति और क्षेत्र के नाम पर बंटवारे की जो साजिश रची जा रही है, उससे आक्रोशित क्षेत्र के लोगों ने अब विधायक की तुलना जिन्ना से की है। दरअसल सिमरिया विधायक केपी त्रिपाठी के 2 वीडियो वायरल हो रहे हैं। एक वीडियो में उनके द्वारा भरी सभा में सभी वर्गों को छोड़कर सिर्फ एक वर्ग के लोगों से बात करने के लिए कहा जा रहा है, जिन्होंने उन्हें वोट दिया है। सिर्फ उनसे बात करने की बात कहकर भरी सभा में अन्य वर्ग के लोगों को अपमानित किया है, जबकि दूसरे वीडियो में कई दिग्गज सांसद विधायकों पर क्षेत्रवाद का आरोप लगाते हुए सिमरिया विधानसभा के लोगों के खिलाफ साजिश रचने की बात कही है। पहले हम आपको सुनाते हैं दोनों वीडियो और उसके बाद हम आपको सुनाएंगे क्षेत्र के पूर्व जनप्रतिनिधियों को कि किस तरह से कड़ी आपत्ति जताते हुए मुंह तोड़ जवाब दिया है। समाज की भी अग्रणी भूमिका रही, यहाँ पर सभी समाज के लोग बैठे हैं, लेकिन ये गांव चूंकि साकेत समाज का और मुझे 27 वोट मिला है, इसलिए दूसरे वर्गों के लोग इसको अपने से जोड़ कर ना देखे, क्योंकि मैं इस समाज के साथ भी बात करना चाहता हूँ। न बन पाए सिमरिया के लोग, आगे न बढ़ पाए, उमरी मोड़ के लोग ही हमारे ऊपर शासन करते रहे। उमरी मोड़ के ऐसे लोगों को हमको मुंह तोड़ जवाब देना होगा। आपने सुना, जिस क्षेत्र से यमुना प्रसाद शास्त्री, सीता शरण शर्मा, चंपा देवी, चंद्रमणि त्रिपाठी, रामलखन शर्मा, अभय मिश्रा, नीलम मिश्रा जैसे दिग्गज विधायक हुए, जिनके विकास कार्यों को जनता आज भी याद कर उदाहरण देती है, उनके ऊपर क्षेत्रवाद का आरोप लगाकर विधायक जी ने अपनी ओछी मानसिकता को प्रदर्शित कर दिया है, जिसका जवाब देते हुए क्षेत्र के जनप्रतिनिधि और जागरूक मतदाताओं ने आक्रोश व्यक्त किया है। पहले हम आपको सुनाते हैं 3 पंचवर्षीय क्षेत्र से विधायक रहे रामलखन शर्मा को, जिनको सुनकर आप स्वयं अनुमान लगा लेंगे कि इनके खिलाफ किस तरह से आक्रोश व्याप्त है। प्रसंग ये है कि जिसको रिमहाई भाषा में कह सकते हैं, आपकी मोटाई चढ़ी, जब मोटाई चढ़ जाती है, गमरई चढ़ जाती है, तो दिमाग अहम के आगे दिमाग भ्रष्ट हो जाता है, और जब दिमाग भ्रष्ट हो गया तब पतन की ओर लोग जाने लगते हैं। एक युवा हैं, विधायक हैं, कोई राजनीतिक इतिहास भूगोल नहीं है, एक नेता की पूंछ पकड़ के आगे बढ़ गए। समाज सामने वाला कोई ऐसा संघर्ष नहीं खड़ा कर पाता है, इसलिए इनको और अधिक अहम भाव जागृत हो गया है। उमरी मोड़, अबे उमरी मोड़ कहाँ से आ गया भाई, सिमरिया सिरमौर एक क्षेत्र, सिरमौर सिमरिया एक क्षेत्र होते हुए
लोग विधायक बने उमरी मोड़। अब उमरी मोड़ में तो मेरा भी घर है, मैं 3 बार विधायक बना सिरमौर से मरिया क्षेत्र से। उमरी मोड़ में चंद्रमणि त्रिपाठी जी का घर था उमरी में, वो भी विधायक बने, 2 बार संसद सदस्य बने। उमरी मोड़ में अभय मिश्रा जी विधायक बन गए। उमरी मेड़ से 2-4-5 किलोमीटर के अंदर सीता प्रसाद शर्मा रहे, मंत्री बन गए सिरमौर से मरिया क्षेत्र। उमरी मोड़ के पास में बैकुंठपुर है, जहाँ की चंपा देवी जी विधायक बन गई, आरोल साहब विधायक बने थे। उमरी मोड़ के बगल में सिरमौर है, जहाँ देश के नक्शे पर एक गांव के अंदर सबसे अधिक क्रांतिकारी, पंजाब को छोड़ के सिरमौर में सबसे अधिक क्रांतिकारी बने, वो विधायक बन गए थे पांडे जी पहले चुनाव में। अब ये उमरी मोड़ कहाँ से आ गए? और इसीलिए मैंने शुरू में कहा, फिर मैं कहता हूँ, ये मदान धो गए हैं सत्ता के मद में, पैसे के मद में मदान धो गए हैं। विकास तो हमें दिखता नहीं कि कहाँ हुआ है। अब सिमरिया खास की बात कैसे बांधेंगे? तो बनकुइया के हैं, वो कहाँ से सिमरिया के हैं? अब से बनकुइया क्षेत्र मिल गया राजनीतिक घटक के रूप में, बनकुइया सर्किल सिमरिया में, और सिमरिया सिमरिया चिल्लाते हैं। अब इनको क्या दिखाना है? इनको जो दिखना चाहिए, अब उसके लायक हमारी उम्र नहीं है, नहीं इनको लगता है कुछ दिखाना पड़ेगा। और ये बिना दिखाए मानेंगे नहीं। कांग्रेस में, भारतीय जनता पार्टी में और दलों में कुछ लोग हमको दिख नहीं रहे कि इनको कुछ दिखा दें, तो इनको लगता है कुछ दिखाना पड़ेगा, कुछ पाठ पढ़ाना पड़ेगा। इस तरह से मद में आके कुछ कह दें। उमरी मोड़ क्रांतिकारियों की धरती रही है, और उमरी मोड़ के लोगों ने जितना सिरमौर से डभौरा तक का काम था, उसमें 1/3 से अधिक हिस्सा वहाँ है। कौन सा ऐसा काम कर दिया ये बताएं? झूठे मामले दर्ज कराए जा रहे हैं, अवैध उत्खनन चल रहा है। मामले तो उनका खेल है, पूरी भारतीय जनता पार्टी का खेल है, यहाँ से लेके उत्तर प्रदेश, तमाम दुनिया भर में। अरे इतने भाजपा के, मैं शिवराज सिंह जी से अपील करता हूँ और वी डी शर्मा जी से, इस महान पुरुष को यूपी जरा भेज दें, वहाँ भाषण कराए। यहाँ क्यों बैठा हुआ किसी को कुछ बोलता? उमरी मोड़, उमरी मोड़। और आइंदा से इस तरह से भाषण देंगे तो इसका परिणाम ठीक नहीं होगा। राजनीतिक दृष्टि से शांतपूर्ण ढंग से, लेकिन प्रभावी ढंग से इनका जवाब दिया जाएगा। उमरी मोड़ के ऐसे लोगों को हमको मुंहतोड़ जवाब देना होगा। आपकी मोटाई चाहिए। आपने सुना, अपने कार्यकाल में चर्चित रहने वाले पूर्व विधायक रामलखन शर्मा ने किस तरह से शब्दों का प्रयोग कर सिमरिया विधायक के पी त्रिपाठी को अपात्र करार कर दिया। आइए अब आपको सुनाते हैं उमरी मोड़ के रहने वाले भाजपा के पूर्व सांसद और विधायक स्वर्गीय चंद्रमणि त्रिपाठी की बेटी भाजपा नेत्री प्रज्ञा त्रिपाठी को। हालांकि उनके ऊपर सत्तादल होने का असर भी दिखा, पर उन्होंने अपना असंतोष व्यक्त करते हुए क्या कहा है? कि व्यक्तिगत सोच है, वो किस कारण से ऐसा कह रहे हैं ये वो बता सकते हैं, पर उमरी मोड़ ने तो यहाँ बड़े बड़े नेता दिए हैं रीवा में, चाहे वो जमुना प्रसाद शास्त्री हों, चाहे मेरे पिता चंद्रमणि त्रिपाठी हों, चाहे राम लखन शर्मा हो, ऐसे बहुत सारा व्यक्तित्व तो वहां से निकल के आया है। वर्तमान में भी हमारे वहां से बहुत सारे कार्यकर्ता हैं जो काम कर रहे हैं। ये वो किस कारण से कह रहे हैं और किसके लिए कह रहे हैं, ये उनकी व्यक्तिगत सोच है, इस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहती। आपके वर्तमान विधायक क्या सिमरिया और उमरी मोड़ के बीच में बंटवारा चाहते हैं? अब ऐसा तो नहीं है, हम भाजपा के कार्यकर्ता हैं और भाजपा तो एक समाज को लेकर चलने वाली, एक परिवारवाद, परिवार के साथ चलने वाली पार्टी है जो सबको अपना परिवार कुटुंब समझती है। तो ऐसा मैं नहीं मानती कि वो ऐसा चाहते हैं, पर वो ऐसा क्यों कह रहे हैं, वो किन कारणों से कह रहे हैं, इसका जवाब वो ही दे तो ज्यादा उचित होगा। उमरी मोड़ के ऐसे लोगों को हमको मुंहतोड़ जवाब देना होगा। मोटाई चाहिए। विधायक के इस बयान की प्रतिक्रिया जानने के लिए हमारी टीम उमरी मोड़ पहुंची।
वहां स्थानीय लोगों से बात की तो उनका भी आक्रोश फूट पड़ा। स्थानीय लोगों ने जिस तरह से असंसदीय भाषा का उपयोग किया वो विराट 24 न्यूज सुना भी नहीं सकता, लेकिन स्थानीय लोगों को आक्रोश दिखाना भी हमारी जवाबदारी है। आइए सुनाते हैं ऐसे क्षेत्र के लोगों को जो सिरमौर सिमरिया की राजनीति में दखल रखते हैं और जनहित के मुद्दों को उठाते हैं। पहले आपको सुनाते हैं स्थानीय समाज सेवी चतुर गौतम को, जिन्होंने विधायक पर जमकर निशाना साधा है। विधायक का वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें उनके द्वारा कहा जा रहा है कि बरसों से उमरी मोड़ के लोगों ने सिमरिया पर साजिश रची है। क्या लगता है कि इस क्षेत्र से कई नेता हुए, क्या उनका कथन है, किस उद्देश्य से, क्या मंशा है उनकी? देखिए है क्या कि किसी व्यक्ति के कह देने से कोई ऐसी समस्या आती नहीं है। हमारे क्षेत्र से तीन नेता यहाँ से गए, स्वर्गीय चंद्रमणि जी, स्वर्गीय सीता प्रसाद जी शर्मा, वर्तमान में रामलखन जी। इन लोगों को जितनी भी नींद मिलती थी पूरा सिमरिया और पूरे सिरमौर के विकास के कार्य में लगाए। हाँ, जो क्षेत्रीय विधायक के पी त्रिपाठी जी हैं उनका कहना भी एक हद तक लाजिम है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की 15 साल से सरकार है और इसके पहले भी भाजपा के ही सरकार के ही दो दो विधायक, ये तीसरे विधायक हैं। इन तीनों के द्वारा ये बड़े डकैत हैं और डकैत जो है तो डकैती डालता है, वो किसी के ऊपर आरोप तो लगाना ही पड़ेगा। इनका झूठ बोलना पेशा है और किसी के ऊपर भी कोई भी मिथ्या आरोप लगा सकते हैं। उमरी मोड़ के लोगों ने सिमरिया और सिरमौर का विकास के गति को बढ़ाया है, विकास करवाया है, उनका ये आरोप गलत है, निराधार है। क्या लगता है कि विकास की बात नहीं करते, सड़क पानी शिक्षा की बात नहीं करते, एक आरोप लगा देना, उलझलूल बोल देना, बयान दे देना, इससे क्या? ये ओछी राजनीति है, वो इनकी जो मानसिकता है ओछी है और ओछी जो स्वर्गीय लोग नहीं हैं उनके बारे में ऐसा टीका टिप्पणी करना, ये सबसे बड़ी है। ये मानसिक विकलांग हो चुके हैं और इनकी बात को ज़्यादा पब्लिक ध्यान भी नहीं देती। फिर भी जनप्रतिनिधि है, विधायक है, बंटवारे जैसी बात करते, उमरी मोड़ अलग हो गया, आपका बनकुइयाँ अलग हो गया, आपका जलमोहर अलग हो गया। अगर ऐसा नहीं करेंगे, इनकी इनका जो दल है वो हमेशा बटनबारा जाट और इस तरीके की बात को उलझा करके जनता को भ्रमित करना इनका एक पेशा है। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो जनता इनसे पूछेगी भाई आपने क्या किया है, आप बताओ आपने क्या क्या अभी नहीं किया है, क्या करने वाले हैं। इनकी एक छोटी सी मानसिकता है लोगों को भ्रमित करने के लिए कि उसने नहीं करने दिया, उसने तुम क्या कर रहे हो भाई, तुम्हारा तो 3 साल हो गया, तुमने क्या किया है। तो उसे कह देने से नहीं, जनता जानती है, आने वाले टाइम में भी जनता बताएगी कि आपने क्या काम किया क्या नहीं किया। ये तो बड़े डकैत दो तरीके के होते हैं, एक डकैत होता है जो लूट करके गरीबों में बांटा करता है और ये तो बहुत बड़े डकैत हैं, ये तो पूरा जो श्रवण हैं उनको डकैती डाल रहे हैं और छोटों को वोट की राजनीति करने के लिए किसी हद तक जा सकते हैं। इनकी तुलना किसी बड़े डकैत से करिए, राष्ट्रीय डकैत, ये साधारण नहीं है, असाधारण डकैत है और सफेद पोशाक में बड़े डकैत हैं। हो रहा है विधायक का, सिमरिया विधायक के त्रिपाठी का कि उमरी मोड़ के लोगों ने राज किया, साजिश रच रहे हैं, क्या लगता है, कैसे ये बोल रहे हैं? अरे सब झूठ बोल रहे हैं सब, अरे ये संसद माने फ्रॉड है, बीजेपी आर ए जो है। कैसे लोग हैं ये? अरे बिल्कुल बेकार हैं, हम तो खुद भोग रहे हैं। कैसे बताइए ना। अरे कोई भी काम है हमारा माने सही काम है जबकि कोई गड़बड़ी नहीं, वहाँ घर का अरे SDM है जो, तो उधर से पैसा लेके या फाइल तक हम नहीं देखा। तो क्या लगता है विधायक जो कह रहे हैं सब अनाप शनाप बात करते हैं? यहाँ के विधायक और वहाँ के विधायक जितने हैं कैसे हैं ये लोग? अरे बहुत खराब, मानसिक बीमार, पागल है ये सब। ऐसे कारण क्या है, पगलापन का कारण क्या है आखिर, सत्ता का गुरूर क्या मानते हैं? भाई सत्ता का गुरूर पेट फूल रहा है, फूलती होगी जब होगी। क्या है उमरी मोड़ के पी त्रिपाठी के बारे में बताइए, क्या जानते हैं आप? हम उनके बारे में जानते हैं जब से विधायक हो गए, लूट खसोट और अब बाकी माने और गरीब का कोई कुछ काम ना है। जो अपने आते हैं अनाप शनाप बयान देते, अनाप शनाप बयान देते। उमरी मोड़ के लोगों को कह रहे हैं जहाँ से आप देखेंगे कि आप इतने बड़े बड़े आपके नेता हुए, सांसद रहे, विधायक रहे, तो अरे इनके तो वहाँ बढ़ा दिए उनको जी, बाकी क्या किए, सब विकास की बात ना करके बस उलझलूल अपनी पुरानी बात। हाँ बस, हकीकत क्या है इनकी? हकीकत कुछ नहीं, बेईमानी है और क्या, बेईमानी के अलावा कुछ नहीं। हाँ। निर्दोषों को फंसाना बस, झूठे का काम हो हाँ। जाना पड़ेगा ना होना, यही चल रहा भाई। यहाँ जो SDM बैठा है वो खुद खुलेआम कहता जी, क्या कहता है?
कि हमारे ऊपर बहुत बड़े बड़े नेता हैं, वो क्या कर ले गए, तो गुंडा राज जैसे बात करते हैं। हम खुद भुक्तभोगी, हमारी फाइला 4 महीने से हो गई। किसका संरक्षण है इनको? 2-3 साल की हो। किसका संरक्षण है इनको? संरक्षण नेता यहाँ दीपराज सिंह है, वहाँ के एपी है, बाकी शुक्ला जी है, बाकी किसी का सुनते नहीं है। परेशान उल्टा कर रहे हैं, नाम लगा दिया कि उमरी मोड़। हाँ, उमरी मोड़। एक सिमरिया विधायक केपी त्रिपाठी का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें कह रहे हैं कि उमरी मोड़ के लोगों ने सिमरिया के विकास नहीं होने दिया, साजिश रची। क्या लगता है आपको? यहाँ तो कोई क्यों साजिश रचेगा भाई, विकास मतलब यहाँ के सिमरिया का जो नेता है वो विकास करेगा, तो उनके वाला क्या करेगा? उनका कहना मतलब क्या मानते हैं? गलत है, यहाँ के लोग जाके वहाँ विकास करेंगे, वहाँ का नेता करेगा विकास। मतलब खुद नेता विकास नहीं कर रहे हैं, उलझुल बातें कर रहे हैं। गलत बात है, नहीं करना चाहिए। जो नेता है उसको विकास करना है वहाँ। क्या मानसिकता है उनकी, क्या मानते हैं, कैसी मानसिकता? ये तो मानसिकता में हम नहीं जानते क्या कैसा है, पर ये गलत बात है। उमरी मोड़ के ऐसे लोगों को हमको मुंहतोड़ जवाब देना होगा। आपकी मोटाई चाहिए। सिमरिया विधायक केपी त्रिपाठी के द्वारा उमरी मोड़ वालों के ऊपर लगाए गए आरोपों के संबंध में जब स्थानीय युवक से बात की, तो उसने विधायक के आरोपों का सिरे से खंडन करते हुए पूर्व विधायक अभय मिश्रा पर ही उमरी मोड़ के युवाओं की उपेक्षा का आरोप लगा दिया। और उसने कहा कि ITI कॉलेज उमरी मोड़ के लिए प्रस्तावित था, लेकिन तत्कालीन सिमरिया विधायक अभय मिश्रा उसे यहाँ के युवाओं से छीन कर सिमरिया ले जाकर स्थापित करा दिया। आइए सुनते हैं बेरोजगार युवक को, जिसने बताया कि उमरी मोड़ वालों ने नहीं बल्कि सिमरिया के पूर्व विधायक ने उमरी मोड़ वालों के साथ साजिश की है। सिमरिया के विधायक केपी त्रिपाठी कहते हैं कि उमरी मोड़ के लोगों ने साजिश रची बरसों से। क्या लगता है कि यहाँ के विकास को बाकी क्या वहाँ सिमरिया ले गए, कि यहाँ के लोगों ने साजिश का शिकार? त्रिपाठी जी गलत बयान दे रहे हैं, केपी त्रिपाठी जी ये राजनीति कर रहे हैं। दरअसल हुआ ऐसा था कि यहाँ कई साल पहले ITI कॉलेज जो हुई थी वो उमरी मोड़ के लिए आई थी। उस समय वर्तमान विधायक अभय मिश्रा जी थे, उन्होंने यहाँ का ITI कॉलेज सिमरिया ले गए थे, ये हुआ था। और ये केपी त्रिपाठी जी जो बयान दे रहे हैं गलत, बाकी गलती तो उमरी मोड़ वालों के साथ हुआ। कॉलेज मिलता, रोजगार की बात होती, यहाँ रोजगार आते, यहाँ का विकास होता, वो चीज़ यहाँ से छिन गई। यहाँ के लोग बेहद नाराज थे उस समय, लेकिन जनता है कुछ कर नहीं सकती। क्या लगता है कि आज जो बेरोजगारी है उसकी बात नहीं की जाती, सड़क पानी शिक्षा स्वास्थ्य की बात नहीं की जाती, उलझुल भाषण दो आप, बदनामी कर रहे हो, कभी कह दो काट देंगे, मार देंगे, गोली मारवाएंगे, तो ये सब क्या है? ये सब गलत चीज़ें हैं। यहाँ बल्कि एक हाई स्कूल है, उसको हायर सेकेंडरी बनाने के लिए कब से आवेदन दिया गया है, ना उसके लिए देख रहे हैं। चौराहा है हमारा, चौराहे में ना डिवाइडर है ना कुछ है, आए दिन एक्सीडेंट होते हैं। इन सब चीज़ों की कभी बात ही नहीं करते हैं ये लोग, हमेशा राजनीति में उलझुल फोड़ने की, बंटवारे की। जी जी, क्या नाम है आपका? मनीष त्रिपाठी। उमरी मोड़ के ऐसे लोगों को हमको मुंहतोड़ जवाब देना होगा। आपकी मोटाई चाहिए। आपने सुना, उमरी मोड़ के लोगों में सिमरिया विधायक केपी त्रिपाठी के खिलाफ किस तरह से आक्रोश है। कोई डकैत तो कोई साजिश करता है, तो कोई फ्रॉड बोल रहा है। यहाँ के लोग इस तरह के आरोप क्यों लगा रहे हैं ये तो वही जाने, पर आरोपों की सच्चाई जानने के लिए हमने रीवा के ही नहीं पूरे देश में प्रख्यात स्वतंत्रता संग्राम सेनानी पूर्व सांसद स्वर्गीय यमुना प्रसाद शास्त्री के पुत्र देवेंद्र शास्त्री से बात की और जानना चाहा कि श्री शास्त्री रीवा के होते हुए गोवा की स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय भूमिका निभाते हुए अपनी दोनों आंखें गंवा दी थी। इतना ही नहीं, सिरमौर और सिमरिया के विकास में भी उनका योगदान किसी से छिपा नहीं है। क्या उन्होंने कभी क्षेत्र जाति की राजनीति की, तो उन्होंने क्या कहा है आइए सुनाते हैं यमुना प्रसाद शास्त्री के सुपुत्र देवेंद्र शास्त्री को। सिमरिया विधायक केपी त्रिपाठी जी का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें उनके द्वारा कहा जा रहा है कि उमरी मोड़ के लोगों ने सिमरिया के साथ साजिश रची। आप भी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी सांसद यमुना प्रसाद शास्त्री जी के बारिश, क्या लगता है कि राजनीति में इस तरह की बातें? देखिए, जब व्यक्ति राजनीति में आता है, जब राजनीति में है और कोई महत्वपूर्ण दायित्व तो उसको प्राप्त हो जाता है, तो उसकी एक नैतिक जिम्मेवारी बनती है कि वो दलगत राजनीति से ऊपर उठकर आम जनता के हित के लिए बात करें। पहली बात तो ये कि हमको किसने वोट दिया है, किसने वोट नहीं दिया है, कौन हमारा पक्ष है, कौन हमारा विपक्ष है। जब हम जनप्रतिनिधि बन गए तो ये सारी बातें गौड़ हो जाती हैं। आपके लिए सब समान रूप से होते हैं और उनके लिए आप समान रूप से अपने विचार रखें, तो समाज में और राजनीति में आपका स्तर ऊंचा होगा। इस तरह
ये तुच्छ राजनीति का द्योतक है, ऐसा मेरा मानना है। क्या लगता है कि खुद तो सिमरिया किसको माना जाए, कि सिमरिया कहाँ है, सिमरिया कहाँ के लोग सिमरिया को माने कि सिमरिया के हम हैं? अगर आप उमरी मोड़ की बात करते हैं तो आप कहाँ के? भाई सिमरिया तो पहले तो सिरमौर और सिमरिया एक है, और ऐसे माना जाए कि आप क्षेत्रीय स्तर पर देखेंगे तो आपका जो क्षेत्र है जहाँ से आप आते हैं वो तो बनकुइया सर्किल में आता है, तो कहाँ से वो सिमरिया हो गया? कुल मिलाकर जनप्रतिनिधि जो विकास की बात करना चाहिए, सड़क पानी शिक्षा स्वास्थ्य की बात करना चाहिए, इसकी बात ना करके उलझल उल बातें भ्रमित करना, ये ओछी मानसिकता, मैं इसको ओछी मानसिकता मानता हूँ। इसमें राजनीतिक इतिहास और राजनीतिक भूगोल और जो संघर्षों की धरती रही है उसको हमको सम्मान करना चाहिए, संघर्षों की धरती का हमको सम्मान करना चाहिए। वहाँ हुए लोग, उनके अपने कार्यकाल रहे हैं, बहुत बड़ा उनका योगदान है, चाहे स्वतंत्रता के आंदोलन में आप देखिए, और उसके बाद जो जनप्रतिनिधि चुन के गए उनकी अपनी जितनी क्षमताएं थीं उससे कहीं ऊपर उठकर उन लोगों ने काम किया है, और उस काम को हमको सम्मान करना चाहिए। जैसे क्षेत्र की बात करते हैं, शास्त्री जी रीवा के थे, गोवा के लिए लड़ाई लड़ा, अपना सब कुछ गंवाया, कई स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, क्या लगता है आपको कि किस तरह से होता है अगर इस वर्तमान के विधायक होते तो? भाई साहब हमें तो हंसी आती है इस बात को सोच करके कि अगर शास्त्री जी ये सोचते कि हम तो रीवा के हैं, तो रीवा तो 1947 में आज़ाद हो गया था, रीवा का आदमी शास्त्री जी और जनार्दन शुक्ला हरदी के थे, रामलखन सिंह रामलखन द्विवेदी जी मऊगंज के थे, आपके बंका बैगा सीधी के थे, बंका बैगा सीधी के थे, सीधी से ये लोग 1955 में बताइए गोवा क्यों जाते, गोवा परतंत्र, कितने लोग आज आपके रीवा के, कितने लोग अभी चले जाइए आप गाँव में, कितने लोग गोवा को जानते हैं? लेकिन इन लोगों के मन में एक पीड़ा थी, एक दर्द था कि हमारे हिंदुस्तान का हिस्सा है गोवा जो परतंत्र है, कहाँ कहाँ से लोग नहीं गए, महाराष्ट्र के लोग थे, हमारे मधु दंडवते जी थे, एस एम जोशी जी थे, और कितने ही समाजवादियों का ये आंदोलन था, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया को बर्फ की सिल्लियों में 15-15 दिन तक लेटाया गया, पुर्तगालियों ने कैद किया था और उनको पीटा जाता था, ऊपर की चमड़ी छिल जाती थी, फिर उसमें नमक डाल दिया जाता था, क्यों इतनी यातनाएं सहते? तब तो ये मान लेते कि हम तो रीवा के हैं, रीवा हमारा आज़ाद हो गया, हमको क्या करना है। लेकिन फिर भी एक जो जन भावना से प्रेरित होकर जन सेवा के लिए जिस व्यक्ति ने अपने आप को समर्पित किया है उसके लिए संपूर्ण धरती, संपूर्ण धरती उसका एक अंग है, उसके लिए उसको अपने आप को समर्पित करना चाहिए। जो व्यक्ति जनसेवा में आया है, जनसेवा के लिए उसका अपना व्यक्तिगत और निजी जीवन कुछ नहीं होता। जिस परिवेश में मैं पला बढ़ा, जिस राजनीतिक परिवेश को मैंने देखा, जिसमें मैंने होश संभाला, उसमें ये पाया कि उसमें परिवार, क्षेत्र, ये सारे चीज़ें गौण होती हैं और एक व्यापक दृष्टिकोण होता है। वो व्यक्ति परिवार का ना हो करके पूरे समाज का, पूरे देश का व्यक्ति होता है। उमरी मोड़ के ऐसे लोगों को हमको मुंहतोड़ जवाब देना होगा। मोटाई चाहिए। सुना आपने, वास्तविक समाज से भी अपना सब कुछ गवा कर जनता जनार्दन को मानने वाले स्वर्गीय यमुना प्रसाद शास्त्री के सुपुत्र देवेंद्र शास्त्री ने किस तरह से विधायक के पी त्रिपाठी के बयानों की निंदा की है, आइए हम आपको सुनाते हैं। सिमरिया विधानसभा क्षेत्र की जनता की आवाज बने आम आदमी पार्टी के पूर्व प्रत्याशी प्रमोद शर्मा और पूर्व सांसद चंद्रमणि त्रिपाठी के भतीजे पूर्व लोकसभा प्रत्याशी रहे सुधांशु त्रिपाठी को, जिन्होंने किस तरह से अपनी प्रतिक्रिया दी है और क्या आरोप लगाए हैं इस बारे में। शर्मा जी, एक सिमरिया विधायक केपी त्रिपाठी जी का वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें उनके द्वारा कहा जा रहा है कि उमरी मोड़ के लोग बरसों से राज की साजिश कर रहे हैं, क्या लगता है किस मानसिकता से कहा गया, आप किस दृष्टि से देखते हैं, चूंकि आप भी वहां से चुनाव लड़े प्रत्याशी? देखिए, जो ये बाइट आ रही है, ये बाइट जो है उनको अपना राजनीतिक जो है वहां से पूरी जो गतिविधियां उनकी हैं, पब्लिक वहां नाराज है और उनको अपना जो है वहां से जो है सत्ता से खसकने का पूरा डर है,
उसको लेकर वो जो है उस बात को बोल रहे हैं कि यहाँ पर, लेकिन उमरी मोड़ को जिसे बात ली है तो वाकई में वहां से राज वहां के लोग ही यहाँ हुए, उन्होंने बहुत कुछ दिया, जरमोहरा दिया वहां से लोगों ने, वहां के लोगों ने कॉलेज दिए, वहां के लोगों ने बहुत कुछ दिया। तो अगर ऐसा बोला जा रहा है इनके लिए तो ये क्या है कि ये उस मानसिकता के लोग हैं जिनको जो है मैं पहले भी कह चुका हूँ कि अपात्र व्यक्ति जब विधायक बनता है तो उसको क्या है, उसको ये पता नहीं होता है कि एक एक बड़ा क्षेत्र मिलकर कोई विधायक बनता है। ये जो है गांव के अंदर में सरपंची की मानसिकता रखने वाले व्यक्ति हैं जो कि जो है बनकुइया को अलग, सिमरिया को अलग, उमरी को अलग, ढेका को अलग, या ऐसी टाइप की मानसिकता करके ये जो बोलना चाह रहे हैं। तो इस प्रकार में जो है ये इनकी मानसिकता है कि फूट डालो लोगों को, ये करो। और ये वही मानसिकता है कि जिस प्रकार से जो है पूर्व में जो है जिस प्रकार से भारत देश जो है खंडित हुआ और दो जगह पर गया, तो जिन्ना की मानसिकता को रखने वाले जो है विधायक जैसे मरिया और इनके साथ में जितना भी पुराना काम रहा है इनके अंदर, तो मेरे को लग रहा है कितने लोगों के जो है जिन घुस गए हैं कि कभी कभी सद्दाम की भूमि निकाल देते हैं, कभी जिन्ना की निकाल देते हैं, कभी कुछ और निकालते हैं। तो इनको ये कहना है कि वहां पर क्षेत्र के लोग भी जो है संपर्क में है, मेरे खुद के रिलेटिव वहां पर रहते हैं जो कि पूर्व में भी लोग रहे हैं, तो वहां का विकास जो जाएगी। सिरमौर को आप देखिए, सिरमौर देखिए, सिरमौर और सिमरिया में कितना अंतर है। तो क्या नहीं दिया सिरमौर में वहां के लोगों ने, वहां से 1000 गुना सिमरिया का वो है। इस प्रकार की बातें बोलना ये पूरी तरह से जो है संकीर्ण मानसिकता है और उनको अपनी राजनीतिक जमीन जो है खसकती पूरी नजर आ रही है। और आने वाले समय में जिस प्रकार का है, अभी तो 2 साल बचे हुए हैं, 3 साल में ही बहुत हल्ला हो गया, 2 साल में ऐसा लग रहा है कि वहां क्षेत्र की जनता मांग करेगी, धरने पे आएगी कि इस व्यक्ति का जो टिकट काट दिया जाए, इस बात के लिए आगे आएगी। सिमरिया विधायक केपी त्रिपाठी का वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें उनके द्वारा कहा जा रहा है कि उमरी मोड़ वालों ने बरसों से साजिश की है सिमरिया के खिलाफ। क्या लगता है कि सिमरिया के कौन है और किस तरह से साजिश, और ये क्या अनाप शनाप की बात है? जय हिंद साथियों, मैं 19 का लोकसभा प्रत्याशी रहा रीवा का, और 18 में सिरमौर और रीवा भी चुनाव में लड़ा, 2 विधानसभा, ये अपने आप में एक इतिहास है। और केपी भाई के जो ये बे वक्तव्य आवत है, अपना पचन का पीछा पड़े हैं, तो अब की फोकस करी नहीं कि वह कहाँ, उमरी मोड़ हमारे सिरमौर के राजनीति के बहुत बड़ी पुरान जगह है। वन राम लखन जी आदरणीय हमारा ही चंद्रमण त्रिपाठी चाचा आई, तो वह तो धरती यहन खातिर बहुत योगदान दे ही। अभी केपी परेशान है को उसे, अब इटे गाँव बड़ी जी नहीं कहावत थी कि अब वह न कहा इंठे, पर माने यह में स्थिति है इनकर, है ना, काम खुद नहीं करते हैं, समस्या इनके भीतर है, परेशानी चरित्र के है। अब ये पोछत कहाँ और है, कहू कही काम धाम बने नहीं लागा है, है ना, अब काम धाम कुछ करी नहीं, तो ये थोड़ा मानसिक डिस्टर्ब है, समाज का बांटे के चाहते हैं, सिमरिया को बांटना चाहते हैं। सिमरिया में क्या, खुद ये सिमरिया के हैं, अपने आप को सिमरिया का बताते हैं, सिमरिया के बेटे को बढ़ने नहीं दिया। हाँ ऐसा कौनो पीछे तो ऐसा कौनो कुछ दिखाए नहीं कि माने सिमरिया से इनका कौनो विशेष लगाव है, ये सब ठेकेदार टाइप नेता हैं, मैं आई क्षेत्र का लूट आ रहे हैं बस, बाकी भाईचारा कहाँ नहीं है, अपना चरहूँ कहीं देख ही नहीं रहने, मीडिया के आदमी आन हम पचे तमान बगते रहे थे, तो क्षेत्र में तमान हाहाकार है, भ्रष्टाचार है, बीजेपी ठेकेदार सरकार चल रही है, तो ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। उमरी मोड़ के ऐसे लोगों को हमको मुंहतोड़ जवाब देना होगा। मोटाई तो यह थे सिमरिया विधानसभा क्षेत्र की जनता की आवाज बने और विधायक के कारनामों को उजागर करने वाले आप पार्टी के पूर्व प्रत्याशी प्रमोद शर्मा और पूर्व सांसद चंद्रवर त्रिपाठी के भतीजे लोकसभा प्रत्याशी रह चुके सुभ्रांशु त्रिपाठी, जिन्होंने विधायक केपी त्रिपाठी की तुलना भारत के बंटवारे के सूत्रधार रहे जिन्ना से कर दी है। अब आपको सुनाते हैं सिमरिया विधानसभा का गठन होने के बाद पहली बार विधायक बने अभय मिश्रा को, जिन्होंने अपने ही अंदाज में विधायक केपी त्रिपाठी का महिमा मंडन किया है। सिमरिया विधायक केपी त्रिपाठी का वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें उनके द्वारा कहा जा रहा है कि सिमरिया के साथ उमरी मोड़ वालों ने साजिश रची है। क्या लगता है, आप भी विधायक रहे, आप भी क्या ट्रेली में हमको शामिल कर रहे हैं, ये मोड़ वो मोड़, ये कोई मुद्दा है, ये कोई बात है? बात होनी चाहिए कि काम की, कि मैंने प्रतापपुर से NVDA का पानी ला के यहाँ चकदही और इस्पेट में जोड़ के जरमोहरा में कर दिया, हमने सिमरिया थाने के पीछे जो सन 1914-15 की फाइल पड़ी है, फिर 63 वो दोनों पहाड़ों को जोड़ के 63 करोड़ की उस समय की योजना,
डैम बनाने की, वो उसकी बात होनी चाहिए। वो दोहन सिंचाई योजना चचाई गोदाह के लिए जो एक फाइट पड़ी थी उस पर भी बात होनी चाहिए। ये सब क्या बेवजह वाली बात है कि मैं इस मोड़ का उस मोड़ का, इसमें मुझे मत शामिल करें। उमरी मोड़ के ऐसे लोगों को हमको मुंहतोड़ जवाब देना होगा। आपकी मोटा आई चाहिए। आपने सुना पूर्व विधायक अभय मिश्रा को, जिन्होंने वर्तमान विधायक के पी त्रिपाठी को टोराइल बताया और कहा कि विकास की बात होनी चाहिए न कि जाति और क्षेत्र की। टोराइली शब्द का अर्थ आप भलीभांति जानते होंगे और पूर्व विधायक अभय मिश्रा क्या कहना चाहते हैं ये भी आप समझ ही गए होंगे। अब आपको सोशल मीडिया में वायरल हो रहे वीडियोस और फोटो दिखाते हैं जो इन दिनों चर्चा का विषय बने हुए हैं और लोग जमकर ठहाके भी लगा रहे हैं। कहाँ हमका शहाबुद्दीन कहाँ थे, कहाँ हमका किम जोंग उन कहाँ थे, कहाँ सद्दाम हुसैन कहाँ थे, बताइए कहाँ कैसे दिखाई थे आज तक, कैसे कौन काम है हमारा किम जोंग उन। जनता चली गए बेड़ैती माँ, काले के गड्ढा ता भरगा फलाने, तीन बरिस के विदाई की माँ, तीन बरिस के विदाई की माँ, रोटी के गड्ढा ता अब मुही कस, जनता चली गए बेड़ैती माँ, रोटी के गड्ढा ता अब मुही कस, जनता चली गए बेड़ैती माँ। मिली तो कता बसई है पता, कितना कहाँ कमीशन मिली तो कता बसई है पता, फुलपुर ना बकलोल विधायक, फुलपुर ना बकलोल विधायक, नंबर एक बकई थी माँ, रोटी के गड्ढा तुम्हारी कस, जनता चली गए बेड़ाई थी माँ, रोटी के गड्ढा जनता चली गए बेड़ाई थी माँ, काले के गड्ढा ता भरगा फलाने, तीन है बारिश के विदाई की माँ, तीन है बारिश के विदाई की माँ, रोटी के गड्ढा ता मुही कस, जनता चली गए बेड़ाई थी माँ, रोटी के गड्ढा ता मुही कस, जनता चली गए बेड़ाई थी माँ। तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए विराट 24 न्यूज़। नमस्कार। उमरी मोड़ के ऐसे लोगों को हमको मुंहतोड़ जवाब देना होगा। आपकी मोटा आई चाहिए।